जो ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम सौरभ शुक्ला, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर। सिंस 2010 बहुत सारे मोटिवेशनल सेमिनार ले चुका हूं, लाखों लोगों से मैं इंटरेक्ट कर चुका हूं। माय डियर फ्रेंड, आज मैं जिस बेहतरीन पर्सनालिटी के बारे में बात करने के लिए आया हूं, हमारे हिंदुस्तान के सबसे ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में उनको जाना जाता है, मैं किसी और की बात करने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि असली देशभक्त मेजर ध्यानचंद के बारे में बात करने के लिए आया हूं। मेजर ध्यानचंद बनने की स्टोरी बहुत लाजवाब है। वह 16 साल की उम्र के अंदर उन्होंने आर्मी में एडमिशन लिया था। उनका हॉकी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनके साथी मेजर तिवारी ने उनको हॉकी के लिए प्रेरित किया, और जब खेलना शुरू किया इतने रिकॉर्ड बना डाले, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे 400 से ज्यादा गोल किए, ओलंपिक में 35 से ज्यादा गोल किए, और टोटल ओवरऑल 1000 गोल किए हॉकी के अंदर। हॉकी में उनके जैसा खिलाड़ी ना अब तक कोई हुआ है और शायद ना हो पाएगा, क्योंकि कहते हैं उनके बारे में जो हॉकी से जो उनकी गेंद थी वो चुंबक की तरह चिपक के चला करती थी। उनके खेल के दीवाने डॉन ब्रेडमैन और हिटलर जैसी शख्सियत भी थी, पूरी दुनिया के अंदर न्यूज़पेपर में वो छाए रहते थे। माय डियर फ्रेंड, ध्यानचंद जी का नाम ध्यान सिंह था, लेकिन उस टाइम पे बिजली नहीं हुआ करती थी, तो चांद की रोशनी में प्रैक्टिस किया करते थे, जिससे उनके दोस्त उनको चंद्र बुलाया करते थे, जो बाद में चंद बन गया और मेजर ध्यानचंद एक महान खिलाड़ी बन गए। माय डियर फ्रेंड, 1936 में ओलंपिक के दौरान मेजर ध्यानचंद अपनी टीम की ओर से खेल रहे थे। जर्मनी से मैच था, जर्मनी में ही मैच चल रहा था। उस मैच के अंदर भारत ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया। इसमें हिटलर उस मैच को देख रहा था, हिटलर उनकी प्रतिभा का कायल हो गया। हिटलर ने उनको अपने पास बुलाया। हिटलर ने जब उनको अपने पास बुलाया मेजर ध्यानचंद को जैसे हिटलर देखता है, उनके जूते भी सही से नहीं थे। हिटलर ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा कि तुम क्या करते हो, तो उन ध्यानचंद जी ने बोला कि मैं भारतीय आर्मी में हूं और एक छोटे से पद में हूं। तब हिटलर ने उन्हें ऑफर किया कि आज तक तुम्हारे देश ने तुम्हें क्या दिया, जर्मनी में आ जाओ, जर्मनी से खेलो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा पद दूंगा, हमारे साथ काम करो। तो ध्यानचंद ने जवाब दिया कि मैटर यह नहीं करता कि मेरे देश ने मुझे कितना आगे बढ़ाया, मैटर यह करता है कि मैं अपने देश को कितना आगे बढ़ाऊंगा। मैटर यह नहीं करता कि मेरे देश ने मेरे लिए क्या किया, मैटर यह करता है कि मैंने अपने देश के लिए क्या किया। यह मेजर ध्यानचंद का जवाब था, और हिटलर को मना कर दिया कि मैं आपके देश की ओर से नहीं खेल पाऊंगा, और यही बात मेजर ध्यानचंद को महान बना देती है। माय डियर फ्रेंड, एक मैच के दौरान अब सोचिए क्या प्रतिभा रही होगी मेजर ध्यानचंद में। मैच खेलते खेलते क्या हुआ, हॉलैंड के अंदर मैच खेल रहे थे, लोगों को डाउट हुआ कि इनकी स्टिक में चुंबक लगा हुआ है, लोगों ने उनकी हॉकी तोड़ दी, लेकिन चुंबक नहीं निकला। माय डियर फ्रेंड, इस कदर का खेल ध्यानचंद दिखाया करते थे। तो चलिए सीखते हैं उनके जीवन से कुछ लर्निंग, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, कमिटमेंट। माय डियर फ्रेंड, ध्यानचंद हाईली कमिटेड स्पोर्ट पर्सन, वो लड़ते रहते और तब तक लड़ते थे जब तक अपनी टीम को नहीं जिता लेते थे। जर्मनी का जिस फाइनल मैच की मैं बात कर रहा था, उससे पहले जर्मनी से एक बार इंडिया हार चुकी थी, टीम का मनोबल थोड़ा सा डाउन भी था, लेकिन जब देश की बात आई उन्होंने कमिटमेंट लिया कि अपने देश को जिताएंगे, और देश को जिता दिया। उस मैच के अंदर सबसे ज़्यादा गोल मेजर ध्यानचंद ने किए। नेक्स्ट थिंग, स्किल्स। माय डियर फ्रेंड, उन्होंने अपने स्किल्स को इस कदर डेवलप किया था कि जिससे उनकी पूरी दुनिया में उनकी इस कला के चर्चे होते थे। उस टाइम के सारे न्यूज़पेपर उनके हुनर से पटे होते थे। दोस्तों, एक गजब सा, आप कोई भी काम करते हैं उस काम में इतने परंगत हो जाइए, अपने हुनर को इस कदर डेवलप कर लीजिए कि आपकी बराबरी, आपकी मैचिंग का कोई हो ही ना। थर्ड थिंग, दैट इज द एटीट्यूड। ध्यानचंद जी जाने जाते थे सुपर डुपर पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए, किसी भी मैच में उतरते थे, जिंदगी के अंदर कभी भी अपनी टीम को ट्रेन करते थे, सुपर डुपर पॉजिटिव एटीट्यूड उनकी बातों में और उनके कर्मों में दिखा करता था। द फोर्थ थिंग, द गुड
टीम स्प्रिट, जस माइंडेड फ्रेंड। मेजर ध्यानचंद निर्विवाद रूप से सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे अपनी टीम के, लेकिन क्या होता था जब यदि उनके खिलाड़ी के पास गोल करने की संभावना ज्यादा रहती थी तो अपने खिलाड़ी को बॉल पास कर देते थे, कभी खुद के रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते थे बल्कि टीम के रिकॉर्ड के लिए खेलते थे, टीम स्प्रिट से खेलते थे मेजर ध्यानचंद। आप कहीं भी अपना करियर बना रहे हैं तो उसकी डिटेल्ड नॉलेज रखिए। माय डियर फ्रेंड, एक बार क्या हुआ, एक मैच के दौरान जब मेजर ध्यानचंद जी गोल नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने रेफरी पे सवाल उठा दिया कि जो ये गोल की डिस्टेंस है इसमें कुछ गड़बड़ है, और उसकी चेकिंग भी कराई और बाद में पता क्या चला कि सच में गड़बड़ थी वहां पे। इसलिए अपने खेल को, अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को, अपने प्रोफेशन को पूरी तरीके से जानिए। नेक्स्ट थिंग, फोकस्ड एंड ऑलवेज इन कंट्रोल। मेजर ध्यानचंद कूल एंड काम हुआ करते थे, वो लास्ट तक संघर्ष करते थे, कभी भी हड़बड़ाते नहीं थे, और यही रीजन था कि एक हारा हुआ मैच जिसमें इंडिया लगभग हार ही चुका था उन्होंने लास्ट के चार मिनट में तीन गोल दाग दिए और इंडिया को जिता दिया, क्योंकि लास्ट टाइम तक अपना टेम्परमेंट नहीं खोए थे और फोकस्ड रहे। फेथ इन टीम मेंबर्स, माय डियर फ्रेंड, उनकी टीम के खिलाड़ी थे केडी बाबू। एक बार क्या हुआ था मैच के दौरान, उन्होंने उनको बॉल पास करने के बाद पीछे हट गए, ऐसे जैसे उनको 100% भरोसा था कि केडी बाबू गोल कर देंगे, और उन्होंने गोल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अपने टीम के लोगों पे आप विश्वास करते हैं तो आपकी टीम बेस्ट परफॉर्म करती है। नेक्स्ट थिंग, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसा कि दुनिया जीत जाएंगे, कहते हैं कॉन्फिडेंस एक ऐसी पूंजी है, यदि वो आपके पास है तो आपके सामने मुसीबतों का पहाड़ भी टकरा जाए, पहाड़ चकनाचूर हो जाता है, आप आगे निकल जाते हैं, और मेजर ध्यानचंद में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग, प्रैक्टिस इज द की। यस माय डियर फ्रेंड, मेजर ध्यानचंद दिन में तो प्रैक्टिस करते थे, रात में चंद्रमा की रोशनी में भी प्रैक्टिस करते थे, कभी भी रिसोर्सेस ना होने का बहाना ना बनाया बल्कि कम रिसोर्सेस के साथ भी अपने आप को डेवलप किया। उनके बारे में तो ये भी कहा जाता था कि सटीक चलने के लिए वो पटरियों में भी प्रैक्टिस करते थे, रेल के पटरियों पे कुछ मीटर तक चले जाते थे अपने बॉल को साथ में लेते हुए। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए जिससे अपने खेल के पक्के खिलाड़ी बन जाएं। नेक्स्ट थिंग, He always followed his principles and my dear friend, जब हिटलर ने उनको ऑफर किया कि हमारे देश की ओर से खेलो, विनम्रता के साथ मना कर दिया कि नहीं सर, मैं अपने देश के लिए खेलूंगा। लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, मुश्किलों में भाग जाना बहुत आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में ही सारा जहान होता है। माय डियर फ्रेंड, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।